हाँ जी, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मैं काम कर रहा था उस पे कि क्या बुक लिस्ट आपको बताऊं या क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए। फिर मैंने मन में आया कि वी आर इन टू इंफॉर्मेशन एज, है ना। अब बच्चों को मैं आपको एक लेक्चर दे दूं बेकार सा, गंदा सा, कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ो, डीडी बासु पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, वो तो बहुत ही माइनर चीज़ है आजकल। बट यू विल बी सरप्राइज कि व्हेन वी यूज्ड टू प्रिपेयर, तो देर वॉज नो इंटरनेट, है ना, एंड देर वॉज नो सोशल मीडिया, है ब्ला ब्ला ब्ला। हमारा सोशल मीडिया बस वही होता था कि जो लाइब्रेरी में बैठ के कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, वही सोशल मीडिया है बस। तो एट दैट टाइम इट वॉज अपने आप में एक बड़ा टास्क था कि पॉलिटिकली कौन सी किताबें पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए कौन सी पढ़नी है। देर वॉज एज सच नो इन्फॉर्मेशन। तो बहुत ज़्यादा कोचिंग छूट भी उस वक्त इतने ज़्यादा नहीं होते थे। सो वी यूज़ टू इंक्वायर फ्रॉम बुक शॉप्स, जो आईएएस की किताबें रखते थे, कि हाँ भाई पॉलिटी के लिए कौन सी किताबें ले जाते हैं, या हिस्ट्री के लिए कौन से ले आते हैं, ज्योग्राफी के लिए कौन से ले आते हैं, तो वही उठा के ले आते थे हम। एज सच मतलब द होल ओनली इवन वट टू रीड वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट एक बात और भी है कि एट दैट टाइम द पेपर यूज़ टू बी डिफरेंट। तो मैं ये देख रहा था कि वेन विद द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, तो मैं आपको सिर्फ ये ना बताऊं कि यार इस पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए ये किताबें पढ़ लो। आई शुड मेक यू कैपेबल टू अंडरस्टैंड द पेपर इटसेल्फ। और फिर हम किताब जब डिस्कस करें कि आपको पॉलिटी के लिए ये पढ़ना है, हिस्ट्री के लिए ये पढ़ना है, तो मैं आपको साथ में बताऊं कि इसको कैसे पढ़ना है। दैट विल बी अ रियल वैल्यूडेशन, जो आपको शायद नेट पे ना मिले, कि हाँ इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। तो मैंने आज आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर तैयार किया है। मैंने 2019 के सारे प्रीलिम के एक सब्जेक्ट के पॉलिटी सब्जेक्ट लिया, मैंने पॉलिटी के सारे प्रीलिम के क्वेश्चन निकाल लिए और मेंस के क्वेश्चन निकाल लिए पॉलिटी के। और हम इसको देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, है ना, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपको अगर मैं टेक्स्ट को सजेस्ट करता हूँ तो क्या मतलब है और कैसे उसको आगे पढ़ना है। तो 2-3 लेक्चर आराम से लगाएंगे इस पर, चर्चा करेंगे इस पे और समझेंगे इसको अच्छे से, सो दैट कि कोई आपके मन में डाउट ना रहे कि अगर कोई किताब पढ़नी है कैसे पढ़नी है, या नई किताब आपको कोई मिलती है, देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू मेक उसको यूज़ इट, है ना, रादर देन एक्सेप्ट इट कम्प्लीटली और रिजेक्ट इट कम्प्लीटली। आप उसको यूज़ कर पाओगे कि ठीक है, इसमें से मैंने इतना काम पेपर में इस तरह का आता है, तो इसमें से ये चीज़ अच्छी है तो मैं निकाल लेता हूँ इसमें से, ठीक है ना। ठीक रहेगा ये अप्रोच, रादर देन गिविंग यू 30 मिनट लेक्चर ऑन कि ये 5 किताबें पढ़ लो, ये 5 किताबें पढ़ लो। लेट अस डिवोट टाइम ऑन इट। मेंटरिंग प्रोग्राम है ये कोई आपका लेक्चर प्रोग्राम तो है नहीं है। तो एक बार बोलो येस और नो, मज़ा आएगा, मज़े लेने। तो शायद अपने आप ये काम ना कर पाओ आप, तो क्योंकि बिखरे होते हैं पेपर में कई बार क्वेश्चन पॉलिटी के, तो एक जगह पे हमने निकाल के आपको दिए। ठीक है ना, चलो दैट्स गुड। तो अब देखो ना, पॉलिटी पे क्वेश्चन अगर हम देखें, देखना शुरू करें, आपने चाहे पॉलिटी पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी हो, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन जैसे आया हुआ है या ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बेसिकली जब आप व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग, तो आप किस लेवल का पढ़ते हो एंड हाउ योर लेवल इंक्रीजेस, है ना। और ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये लेवल 1 का है या लेवल 2 का है या आगे लेवल 3 का है, कि जब आगे आगे आप पढ़ते हो तो आगे होगा, अभी नहीं होगा, है ना। चलो गुड, सारे आ गए हैं, चलो गुड। तो अब ये देखो पहला क्वेश्चन क्या आया। अब देखो ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पोलिटिकल लिंक्स और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन द रिसेंट पास्ट। अब मैं बताने वाला आपको यहाँ पे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो अब गवर्नर पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गवर्नर का है। अब आप कोई भी किताब पढ़ोगे तो पहले गवर्नर का क्या करोगे, गवर्नर गवर्नर की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, कैसे उसकी इलेक्शन या सिलेक्शन होती है ना, गवर्नर की पावर्स क्या हैं, या गवर्नर के साथ कौन से इश्यूज रिलेटेड हैं, ये करोगे। अब क्वेश्चन आया है कि कौन सी किस कमेटी या कमीशन ने सजेस्ट किया है ये,
अब ठीक है, आपने पढ़ लिया पेपर में कि ये कमिटीज ने गवर्नर पे सजेस्ट किया, लेकिन अब उसके भी अंदर पूछा गया, मतलब ये आपकी जो लेवल ऑफ डेप्थ रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन को करने के लिए, इट इज मच हायर, और स्टैटिक क्वेश्चन है ये, मच हायर। तो आप ये नहीं कर सकते कि ठीक है कोई भी किताब गवर्नर की उठा ली उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं होगा इससे क्वेश्चन, ये रिक्वायर लॉट ऑफ डेप्थ, डेप्थ चाहिए। अब इस डेप्थ तक कैसे पहुंचना है मैंने आपको वो सिखाना है। आप सारे क्वेश्चन देखो, आप एक क्वेश्चन नहीं, मैं कह रहा आगे सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं। तो हमने क्या करना है कि ठीक है आपको हर कोई कह देगा लक्ष्मीकांत पढ़ लो, आपको हर कोई कह देगा डीडी वासु पढ़ लो, बट कोई क्या आपको ये सिखा रहा है कि यार किस डेप्थ, उस डेप्थ तक जिस डेप्थ के क्वेश्चन आ रहे हैं वहां तक कैसे पहुंचना है, या कैसे कॉन्फिडेंस ड्रॉ करना है कि मैं आई हैव रीच्ड एट दैट डेप्थ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप सरफेस पे लेके रह गए। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम टू मी एंड शो द नोट्स, कि सर ये नोट्स बनाए पॉलिटिक्स के, देखो। तो मैं क्या उसमें देखता हूं, मैं क्या देखता हूं कि वेदर ये कैंडिडेट फर्स्ट डिग्री का है, सेकंड डिग्री पे पहुंच गया, थर्ड डिग्री पे पहुंच गया, क्या ये यूपीएससी डिग्री पे पहुंचा है, क्या जिस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं क्या उस डिग्री के नोट्स हैं ये, या उस डिग्री के डेप्थ इसमें बच्चे ने इंक्लूड करी है। बिकॉज हमारे माइंड में तो सारे जो पिछले 20 साल के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो फ्लोट कर रहे हैं पड़ पड़ ऐसे ऐसे, तो हमें नोट्स देख के पता लग जाता है कि यार ये क्वेश्चन यहाँ आया था, ये क्वेश्चन यहाँ आया था, ये क्वेश्चन है, डेप्थ है इसकी। तो विद रेफरेंस टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड चेंजिंग पैटर्न, जो डेप्थ रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपके नोट्स बनने चाहिए। बुक भी तभी पढ़ने का फायदा है। तो बुक कैसे पढ़नी है उस वो सिखाना है मैंने आपको, क्या कौन सी पढ़नी है वो तो बता ही देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, सेकंड क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं आपको फिर क्या कह रहा हूं, मैं क्या करूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री, मतलब डेप्थ ऑफ नोट्स रिक्वायर्ड या डेप्थ ऑफ बुक रीडिंग रिक्वायर्ड, उससे क्लासिफाई करता हूं। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री तक करते हैं, थर्ड डिग्री मतलब यूपीएससी डिग्री, ठीक है ना। अब विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो हाई कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब ये सेकंड डिग्री का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो नॉर्मल आ जाता है, सेकंड डिग्री का क्वेश्चन मानेंगे, आसान भी नहीं है लेकिन थर्ड डिग्री का भी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ भी रिक्वायर्ड नहीं है, ये कर लेते हो आप, बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी हो जाता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, ये आपको डीडी वासु में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ये आपकी जनरल रीडिंग है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है, इसको हम पॉलिटिक्स के इंट्रोडक्शन में कवर करते हैं कि लिबर्टी, फ्रीडम, जस्टिस क्या होता है ये, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, थर्ड डिग्री क्वेश्चन, रादर थर्ड डिग्री से भी ऊपर है, कि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तीन क्वेश्चन हो गए, चौथा देखो जरा, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस और प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 143। What could mean which of the following? It could mean which one of the following? अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये टिपिकल थर्ड डिग्री का है, कि जब आप एक पॉलिटी के पढ़ने के लेवल तक पहुंच जाओगे तब आर्टिकल 142 तक पहुंचोगे, नहीं तो आप तो बेसिक फंडामेंटल राइट, DPSP यही पढ़ते रह जाते हैं हम, इतने डेप्थ 142 143 तक तो हम आ ही नहीं पाते। प्रोहिबिशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर 143 142, तो ये थर्ड डिग्री का क्वेश्चन है अगेन, बस समझते जाना कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे लेके आऊंगा फिर इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, when a state legislature doesn't have a rule on a particular matter it follows the lok sabha rule on that matter, theek hai na। ab ye basically question jo hai isko aap again you can ask consider it a second degree question, kar lete ho aap, lekin sidha powers of lok state legislative assembly pe nahi hai, ye analysis ke upar hai ki when we compare legislative assembly with the parliament lok sabha, है ना, इन दोनों के कंपैरिजन पे क्वेश्चन आया, मतलब सेकंड लेवल पे का है कि आपने पावर्स ऑफ
लोकसभा पढ़ लिया, पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ लिया, अभी कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन आए, ये जो पूछे हुए हैं ये कंपैरिजन से निकलते हैं, है ना? दोनों, पहला उस स्टेट है, सेकंड कंपैरिजन से निकलेगा। तो सेकंड डिग्री का क्वेश्चन है कि जब आप एनालिसिस स्टेट पे आ जाते हो, नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन है। ये जब आप पहले पढ़ते हो, जब आप लेक्चर कोई भी सुनोगे कि आर्टिकल 19-20 राइट टू लाइफ, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसी में आ जाएगा कि ठीक है, आप उससे इंटरप्रेट कर पाओगे। डायरेक्ट नहीं है फिर भी, इट रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन, लेकिन उतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर होगी कि आप कर लोगे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड ऑन आर्टिकल प्लेसिंग इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब देखो क्वेश्चन ये क्या पूछा है। अब ये आर्टिकल जो अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है, ये अमेंडमेंट प्रोसीजर पे नहीं है। नॉर्मली हम जब हम अमेंडमेंट पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कितने कितने तरीकों से किया जा सकता है। फिर हम पूछते हैं कि हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी हैं, है ना? 42nd अमेंडमेंट एक्ट आपने बड़ा फेमस सुना है ना? ऐसे हम 8-10-15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हम स्टडी करते हैं जो सिग्निफिकेंट मानी जाती हैं। तो ये अब फर्स्ट डिग्री पे आ गया कि अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या है, सेकंड डिग्री पे आ गया इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कौन सी हैं। ये क्वेश्चन अगेन थर्ड डिग्री का है कि व्हेन यू एक्सटेंड योर प्रीव्यू ऑफ स्टडिंग द अमेंडमेंट्स, बहुत मोटी मोटी अमेंडमेंट्स को छोड़ के जब आप सेकंड लेवल की अमेंडमेंट्स पे जाते हो, है ना, आपके पास सारी अमेंडमेंट्स हैं, आपने उसमें से 30 अमेंडमेंट 40 अमेंडमेंट को टिक मार्क कर दिया कि पेपर में ये आ सकती हैं, चाहे प्रीलिम में चाहे मेंस में, है ना? तो उसमें से सेकंड लेवल पे है कि जो फर्स्ट फ्लश वाली अमेंडमेंट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिमम इस केस के थ्रू ये, तो उसको छोड़ के जो अमेंडमेंट्स हैं, तो मतलब ये थर्ड डिग्री का क्वेश्चन मैं इसको मानूंगा। अब नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। सोचो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेगो जी, द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। The motion, if the motion for the impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of the total membership of that house by not less than 2/3 of the total members of that house present and voting. अब बताओ क्या कहोगे इसको आप? ये first का है, second का है, third degree का है? बताओ जी, अपने आप बताओ अब आप। Comment. आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए जानने की कि हाँ यार, ये क्वेश्चन अब अगर अब ये क्वेश्चन सीधा है इम्पीचमेंट ऑफ जजेस का। अब आप फर्स्ट डिग्री में जब आप जज जुडिशरी तैयार करते हो तो इम्पीचमेंट ऑफ अ जज कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। हम जजेस पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पढ़ते हैं हम, है ना, है ना, यही पढ़ते हैं। अब एक जज को कैसे इम्पीच किया जाता है? चलो ठीक है, इम्पीच के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, हमें पता है, लेकिन क्या हम ये इतनी डिटेल करते हैं इम्पीचमेंट की? मैं कहता हूं कि आप ये सिर्फ हम ना सिर्फ यही पढ़ते हैं, द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट मैक्सिमम जजेस इंक्वायरी एक्ट को रेफर कर देगा। मतलब इम्पीचमेंट का जब आप अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन तैयार करो तब ये सारा कवर होगा। तो अब लास्ट एस्पेक्ट है ये का इन अ वे इम्पीचमेंट ऑफ अ जज, तो थर्ड डिग्री का क्वेश्चन बनता है।
आप ये बात समझ लो, आप चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ लो, चाहे डीडी बासु पढ़ लो, चाहे कोई और भी किताब पढ़ लो, स्टैंडर्ड टेक्स्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ोगे तो सारी चीजें ये उसके अंदर आपको इधर से उधर मिली जाएंगी। लेकिन बात यह कि क्या आप उस पॉइंट तक पहुंच पा रहे हो जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं? क्या आप वहीं तो नहीं अटक रहे, फर्स्ट और सेकंड डिग्री तो नहीं अटक रहे? कई लोगों की तैयारी तो फर्स्ट और सेकंड डिग्री तक ही खत्म हो जाती है, एंड दे वर्क वेरी हार्ड। बच्चे बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन प्री नहीं क्लियर कर पाते पांच पांच बार में। क्यों नहीं बात कर पाते? क्योंकि वही चीज वो फर्स्ट डिग्री तो को बार बार रिवाइज कर जा रहे हैं। फर्स्ट डिग्री, कई बच्चे फर्स्ट डिग्री तक घूमते रहते हैं, कई बच्चे सेकंड डिग्री तक वापस आते रहते हैं, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट। अब जो इस मायाजाल से निकलेगा वही तभी जो थर्ड डिग्री तक पहुंचेगा, जो फोर्थ डिग्री की बात करेगा। कंटेंट नहीं बढ़ाएगा अपना, ये नहीं बढ़ाएगा कि 10 किताबें और उठा ली, फिर तो फर्स्ट डिग्री तक, फर्स्ट और सेकंड तक ही पहुंचते रह जाओगे। टेक्स्ट वही है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट उठा रहे हो, सब कुछ मिल जाएगा आपको उसमें। क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं आए हुए, डेप्थ ज्यादा है, बस डेप्थ ज्यादा है। डेप्थ इज मोर, डेप्थ इज मोर। मैंने आपको बता दिया क्लियरली कि अगर जुडिशरी करते हो तो फर्स्ट डिग्री तक आप ये करोगे, सेकंड डिग्री तक आप ये करोगे, थर्ड डिग्री पे जाके आओगे और क्वेश्चन थर्ड डिग्री का ही है। तो मेरे लिए बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों कि तुम लक्ष्मीकांत पढ़ते हो या डीडी बासु पढ़ते हो या फलाना पढ़ते हो, ढिमाका पढ़ते हो। मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप थर्ड डिग्री तक पहुंचे, कि आपकी वो जो डेप्थ है वो डेप्थ एक बार में कभी भी नहीं आती। ऐसा मत सोचना कि भाई हाँ आज आप किताब लेके बैठोगे और उसको महीने में पढ़ लोगे और थर्ड डिग्री तक पढ़ लोगे। थर्ड डिग्री कभी भी ऐसे अचीव नहीं होती, थर्ड डिग्री स्टेप्स में अचीव होती है। नहीं तो ऐसा होगा क्या कि आप 10 दिन लगा के चैप्टर एक ही पढ़ोगे लक्ष्मीकांत का, कि भाई फंडामेंटल लाइट ही पढ़ गया बस, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि अरे ये तो मेरा हफ्ते में तो यही पढ़ा गया, बाकी पॉलिटी कब करनी मैंने। तो इट्स बोथ, वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ हाउ, कि मुझे कैसे करना है, कैसे थर्ड डिग्री को अचीव करना है। यही आर्ट है यूपीएससी में, कि कैसे आप उस लेवल तक अपने आप को लेके जाओ। नाउ नेक्स्ट इज 9th शेड्यूल। एक जो क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ये देखो। अब ये क्वेश्चन देखो कैसा है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। अब ये नहीं पूछा कौन सा ईयर में है, ये नहीं पूछा 9th शेड्यूल में क्या है। अब बेहद आसान क्वेश्चन है ये, जिसको 9th शेड्यूल का पता है कि हाँ जी 8 शेड्यूल तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही थे, 9वां शेड्यूल ऐड हुआ 1950 में, अर्ली 50 में, या 1951 में ऐड हुआ। तो आप इजीली फिर मेकआउट कर सकते हो कि 51 में ऐड हुआ है तो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे ही होगा, है ना। तो ये फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन मैं मानूंगा कि इजीली यू कैन मेकआउट की जवाहरलाल नेहरू इज द आंसर। ये तो जब आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स करोगे तो उसमें आ ही जाता है, ये नहीं आएगा कि कौन से प्राइम मिनिस्टर के काल में था। लेकिन उसने उसने आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के अप्लाइड पूछ लिया, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट एग्जेम्प्ट्स सेवरल पोस्ट फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। द अबव मेंशन्ड एक्ट वॉज अमेंडेड 5 times। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यह क्वेश्चन सीधा सीधा करंट पे था, क्योंकि करंट में ऑफिस एंड प्रॉफिट का इशू आ रहा था सुषमा स्वराज जी के केस में और केसेस में, कि ऑफिस एंड प्रॉफिट किसको कहा जाएगा, है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन करंट का था, ये मैं इसको फर्स्ट डिग्री का मानूंगा, और ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब सेकंड, विच शेड्यूल, अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। अब ये शेड्यूल हम करते हैं, अगेन उसने ये नहीं पूछा कि ये जो ट्राइबल एरियाज या शेड्यूल्ड एरियाज को मैनेज करने के लिए कौन सा शेड्यूल है, उसने ये नहीं पूछा, उसने अप्लाइड पूछ लिया। देखो इनडायरेक्ट पूछते हैं यूपीएससी में, जो फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन है ना उसको भी सेकंड का बना देते हैं, सो दैट पर्सन शुड अप्लाई माइंड। ये नहीं पूछा कि कौन सा शेड्यूल जो है इट रिलेट्स टू मैनेजमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज, उसने पूछ लिया कि किस शेड्यूल के अंदर, कंफ्यूजन डाल दिया, बस बच्चा सोचता रहेगा। तो अगेन इसको मैं सेकंड डिग्री का क्वेश्चन मान लूंगा, बट आसान है ये। चलो ये तो ये है, अब मेंस के देखो, आप मेंस के देख के आपको और मजा आएगा कि भाई ये देखो क्वेश्चन ही क्या है, अब कौन सा ये किस लेवल के क्वेश्चन है, यू कैन इजीली मेक आउट। अब पहला क्वेश्चन देखो, डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स।
रादर इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस. रादर इट इज बेस्ड ऑन चेक्स एंड बैलेंसेस. अभी जो हमारे एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी है, थ्री हमारे अगर सेपरेट विंग्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के. वो कहते हैं इट डजंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बट इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. नॉट अ ईजी क्वेश्चन, इट्स अ टिपिकल थर्ड डिग्री क्वेश्चन. उसने ये नहीं पूछा वट इज सेपरेशन ऑफ पावर एंड हाउ इट इज इंश्योर्ड, क्रिटिकली एग्जामिन द सेपरेशन ऑफ पावर थिंग. उसने सेपरेशन ऑफ पावर पूछा है और फिर बताया कि कैसे ये चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट करते हैं. दो क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, द सेंट्रल कैट पे क्वेश्चन आया विच वॉज एस्टेब्लिश फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेज एंड कंप्लेन्ट्स बाय और अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नाउ डेज इज एक्सरसाइजिंग इट्स पावर एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी एक्सप्लेन. नाउ अगेन ये क्वेश्चन ये नहीं आया कि कैट की पावर्स क्या हैं, कैट क्या करता है क्या नहीं करता. अगर फर्स्ट डिग्री का होता तो पूछते कि कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या है, वट आर इट्स पावर्स, है ना, या अंडर विच आर्टिकल. अगर प्रीलिम में आता तो अंडर विच आर्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ये कैट एस्टेब्लिश हुआ है. और सिंपली पावर्स पे क्वेश्चन आता कि वट आर द फंक्शंस ऑफ कैट. लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है उससे भी अगला, विच वॉज एस्टेब्लिश फॉर द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस. लिख दिया फंक्शन क्या है उसका, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस ऑफ कंप्लेंट्स और अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. ये लिख दिया इसने, साथ में कहा है कि एस्टैब्लिश इसलिए किया गया था बट इट इज एक्सरसाइजिंग इट्स पावर एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी एक्सप्लेन. अब ये बहुत ही अगला लेवल का एनालिसिस है, अगेन अ थर्ड डिग्री क्वेश्चन, बिल्कुल थर्ड डिग्री क्वेश्चन है ये. अब आपने जब क्लास अटेंड करनी है तो ठीक है, क्लास में टीचर ने क्या करा देना कि कैट कैट क्या होता है, वो भी अच्छी क्लास वाला बंदा जो है, जो अच्छा टीचर है वही कराएगा कैट. बाकी तो छोड़ ही देंगे कि छोड़ो क्या करना है कैट को. आपको मैक्सिमम फंक्शन ऑफ कैट करा देगा वो. आगे आप डीडी वासु पढ़ोगे उसमें कहीं ना कहीं अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, या आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो अंदर लिखा हुआ कहाँ मिल जाएगा कि हाँ यार ये इशू डिस्कस किया गया है. लेकिन क्या है आप उस डिग्री तक पहुंच पाए, क्या आप उस डिग्री तक पहुंच पाए. देखो जी, वट आर द मेथड्स यूज बाय फार्मर ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया एंड हाउ इफेक्टिव आर दीज मेथड्स. अब ये सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रेशर ग्रुप्स पे क्वेश्चन है, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रेशर ग्रुप क्वेश्चन. अगर किसी बच्चे ने ठीक है, लेकिन वो भी डायरेक्टली नहीं पूछ लिया वट आर द मेथड यूज बाय प्रेशर ग्रुप्स टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया एंड हाउ इफेक्टिव आर दीज मेथड्स, तो ये डायरेक्ट होता. लेकिन उन्होंने सेकंड डिग्री का बना दिया इसको, फर्स्ट डिग्री क्वेश्चन को, कि फार्मर ऑर्गेनाइजेशन पूछ लिया. अब आधे बच्चे तो ये सोचेंगे फार्मर ऑर्गेनाइजेशन चीज क्या है, ये जिन्होंने कंसेप्ट को समझा नहीं है. तो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट अ प्रेशर ग्रुप. लेकिन पॉलिसी मेकर को इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या मेथड यूज करती है प्रेशर ग्रुप, और कैसे ये मेथड क्या इफेक्टिव होते हैं, क्या उनकी मांगें पूरी होती हैं, क्या पॉलिसी में चेंजेस होते हैं, ये अगेन क्वेश्चन करंट के ओवरटोन में था जब एमएसपी को लेके या जो ये फ्रीक्वेंट धरने होते हैं, जैसे आजकल फार्म बिल को लेके फार्मर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी एक्टिव हुई हैं, है ना. तो अब ये रेल रोको, रास्ता रोको, वहाँ धरना, यहाँ धरना, है ना, जो ये चीज़ें हो रही हैं, बेसिकली दे आर एक्टिंग एज अ प्रेशर ग्रुप. वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज कर रही हैं कि आप इसको चेंज करो या कुछ भी इसमें अमेंडमेंट्स लेके आओ एज पर रिक्वायरमेंट. तो ये क्वेश्चन मैं इसको सेकेंड डिग्री का मान लेता हूँ, है ना, क्योंकि थोड़ा सा एप्लीकेशन इसके अंदर आ गया है. अब आप थर्ड क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द रेजोल्यूशन ऑफ कंटेंशियस इश्यूज रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द कोर्ट्स प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हैव इमर्ज्ड. अब ये कौन से, आप कौन से मतलब लेवल का मान रहे हो इसको. अगर किसी ने पॉलिटी आप में से पढ़ी है या कभी ग्रेजुएशन में पढ़ी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी है, नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट सेकंड और थर्ड और फर्स्ट. मतलब मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि 70% आधे बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आना कि पूछ रहा क्या रहा है ये.
क्योंकि क्वेश्चन बड़ा वेग है, रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द कोर्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है विमर्स्ट। अगेन ये थर्ड लेवल डिग्री का क्वेश्चन है, नॉट इसको पॉलिटिकल थ्योरी नहीं कह सकते बेटा, इट इज मोर ऑफ अप्लाइड, इट इज दीज आर द इश्यूज विच एक्चुअली। देखो होता क्या है कि जब वेन कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोविजन बनाता है, सपोज कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 21 बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा ना कि हर इंडिविजुअल एक उसके पास एक राइट टू लाइफ है, ठीक है ना। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल डल गया, उसका अपना एक इंटेंट था, बट ऐसे जैसे जैसे टाइम गोज बाय, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं या प्रोविजन हैं बेसिकली दे व्हाट टू से फेस द चैलेंज ऑफ टाइम, फेस द चैलेंज ऑफ चेंजिंग टाइम ना। उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ इश्यूज टाइमली क्रॉप अप, कई इश्यूज क्रॉप अप होते हैं कि क्या ये राइट टू एनवायरमेंट है, इट्स अ राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन क्या लाइफ है, ऐसे ऐसी कई चीजें आती रहती हैं। तो दीज आर दिस क्वेश्चन इज पर्टेनिंग टू द इमर्जिंग इश्यूज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मैटर इन क्वेश्चन। आपको देखना पड़ता है, ये थर्ड डिग्री पे आती है आपकी समझ, कि आप यहाँ पे कोई बुक काम नहीं आती, फिर आपका एटीट्यूड काम आता है, आपकी वे ऑफ हाउ यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम वो काम आता है, हाउ यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम ये काम आता है, ये नहीं काम आता कि आपने कौन सा रटा मारा है, कौन सी किताब पढ़ी है। तो जो ये ये मेंटरिंग लेक्चर जो हम कर रहे हैं, इसका मकसद यही है कि आपको ये सारे इस तरह से सब्जेक्ट्स में डिस्कस करूंगा, पढ़ाएगा कोई भी आपको, लेकिन ट्रैक पे मैंने रखना है कि हाँ यार हम जो पढ़ रहे हैं वो रेलिवेंट पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे अल्टीमेटली। अब उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म, थर्ड डिग्री टिपिक। कहाँ से क्वेश्चन ये हो जाएगा अगर आपकी समझ डेवलप नहीं है, अगर आपने ये मन में सोचा नहीं है कि मैंने फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री पे पहुंचना है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है लेकिन है थर्ड डिग्री का, मतलब अगर बच्चा वहां तक पहुंचा, जो कोई भी पहुंच सकता है, आप भी पहुंच सकते हो, लेकिन बशर्ते आप पहुंचना चाहो, बशर्ते आपको पता हो कि हाँ मुझे उस डायरेक्शन में जाना है, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे ना। नेक्स्ट देखो, ऑन वट ग्राउंड पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ऑल्सो मेंशन द रेमेडीज अवेलेबल टू सच पर्सन अगेंस्ट द डिस्क्वालिफिकेशन। सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट डिग्री, थैंक गॉड एक क्वेश्चन तो फर्स्ट डिग्री का आया, ये क्वेश्चन तो फर्स्ट डिग्री का मानते हो। हाँ जी कमेंट, इज इट अ फर्स्ट डिग्री क्वेश्चन, कैन यू कॉम्प्रिहेंड? ये हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट अच्छे से करते हैं, ये गवर्नेंस का पार्ट आपका एक तरह से, पॉलिटी का पार्ट कह लो, गवर्नेंस का पार्ट कह लो, और इसके अंदर सीधा करते हैं कि राइट्स ऑफ क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन की ग्राउंड्स क्या हैं और कैसे रेमेडीज हैं उस बंदे के पास, ये तो हम करते ही करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है ये। नाउ पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिमिटेड पावर एंड इट कैनॉट बी एनलार्ज्ड इनटू एब्सोल्यूट पावर। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन वेदर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सपेंडिंग इट्स अमेंडिंग पावर। कितना स्पेसिफिक क्वेश्चन है देखो ये, कितना स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन समझ के लिखना, मतलब इट इज नॉट इजी, इट्स अ थर्ड डिग्री क्वेश्चन, लगने को ये सेकंड डिग्री लग रहा है लेकिन है ये थर्ड डिग्री, क्योंकि इन द कंटेक्स्ट ऑफ दैट स्टेटमेंट आपको लिखना है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ दैट स्टेटमेंट लिखना है कि वेदर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब आधे बच्चे ये लिख के आएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय कर सकती है या नहीं कर सकती, जबकि क्वेश्चन ये नहीं पूछा उसने, क्वेश्चन पूछा है इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट आपको स्पेसिफिक बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसकी बात की गई है कि लिमिटेड पावर कैन इट बी एनलोज टू एब्सोल्यूट पावर, कि कुछ भी कर ले पार्लियामेंट। तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे जो लिमिटेड पावर है, कहीं कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, उसके ऊपर भी एक चेक है, वो लिमिटेड पावर इंपोज करती है उसके ऊपर कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो लेकिन नॉट बियॉन्ड अ लिमिट।
यू कैन नॉट अमेंड एनी थिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन इवन इफ यू हैव 100% मेजोरिटी. इवन इफ यू हैव 100% मेजोरिटी, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लो आप. वो भी अपने आप में क्वेश्चन है एक, कि अगर एक पार्लियामेंट में अगर एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के पीछे 100% एग्री करते हैं सारे मेंबर्स कि होना चाहिए, क्या वो एक्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनली क्वेश्चन हो सकता है? मे बी ऐसा भी कभी केस आए कि जिस एक पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर 100% मेजोरिटी है पार्लियामेंट की, पूरा पार्लियामेंट उसके पीछे है, तो उसका मतलब यही है कि पूरी कंट्री चाहती है टेक्निकली देखें तो. लेकिन वो एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है या बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, स्पिरिट के अगेंस्ट है, तो क्या कोर्ट उसको नलीफाई कर सकती है अगर 100% मेजोरिटी भी हो जाए? अब ये वो बच्चा करेगा जिसने पूरी तरह बेसिक स्ट्रक्चर को समझा है. सिर्फ ये नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या एस्पेक्ट है, कौन कौन से जजमेंट हैं इसके अंदर, ये उसके अगला क्वेश्चन है, थर्ड डिग्री का क्वेश्चन है ये. जब आप बेसिक कर लो बेसिक स्ट्रक्चर के, उसके बाद जब आप समझ पे आते हो तब इस लेवल पे पहुंचते हो. नेक्स्ट इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज हैड अ लिमिटेड इंपैक्ट ऑन द पैट्रियार्कल करेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस. कमेंट अगेन. अब देखो क्वेश्चन क्या है. अब पहला क्वेश्चन इसमें, अब जब आप पंचायती राज की बात करते हो, पंचायती राज से क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन आया था पंचायती राज से एक, है ना, तो पंचायती राज पे क्वेश्चन अगर ये पूछ रहे हैं तो ये नहीं पूछ रहे कि क्या रिजर्वेशन है और क्या फैसिलिटीज हैं या क्या पावर्स दी गई हैं वुमेन पार्टिसिपेंट्स को, और ये नहीं पूछ रहे कि वुमेन से क्या फायदा हुआ है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द वुमेन एज वेल एज फॉर द गवर्नेंस, है ना. अब आधे बच्चे अगेन यही लिख आएंगे कि वुमेन ने क्या कंट्रीब्यूट किया या वुमेन के का स्टेटस कैसे इंप्रूव हुआ है जी, वुमेन को एम्पावरमेंट हो गई इतने पार्ट. वो क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि क्या इंपैक्ट हुआ किस पे, पैट्रियार्कल नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस पे. पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है, कितने लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं कैंडिडेट्स, फिर पॉलिटिकल पार्टीज, फिर इलेक्शंस, फिर गवर्नमेंट. पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है आपका इलेक्टोरल प्रोसेस है कि लोग खड़े हो रहे, कितनी वुमेन खड़ी हुई हैं इस ये पार्लियामेंट, ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जब हमने इनको अपॉर्चुनिटी दी तो कितनी पार्टिसिपेशन वुमेन की बढ़ रही है, पॉलिटिकल पार्टीज में कितनी वुमेन इन्वॉल्व हो रही हैं, कितनी वुमेन फाइनली पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में पहुंच रही हैं, और उनमें से कितनी गवर्नमेंट का पार्ट बन रही हैं, ये पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस है. अब अगर किसी के पास डाटा नहीं है तो क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप? इट्स अ टिपिकल थर्ड डिग्री क्वेश्चन अगर समझ आया आपको तो. अगर डाटा आपने याद किया हुआ है कि हाँ जो वुमेन पार्टिसिपेशन है इन दी फाइटिंग ऑफ इलेक्शंस वो इतना बड़ा है और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वुमेन की इन्वॉल्वमेंट इतनी बड़ी है ना, और या फिर मतलब अल्टीमेटली इतनी परसेंटेज वुमेन पार्लियामेंट में बढ़ी है, तो ये क्वेश्चन आपको ये बताता है कि आपको किस डिग्री तक पढ़ना है. अब जब पढ़ ही रहे हो पंचायती राज तो उसमें थोड़ा सा एडिशनल ये करने में हर्ज कोई नहीं है. अब ये टिपिकल क्वेश्चन जो है ये पेपर वन और पेपर टू का अमलगमेशन है, मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन है सोशल इशूज़ का जेंडर में और पंचायती राज, जेंडर और पंचायती राज को मिला के क्वेश्चन बनाया गया ये. जब जेंडर हम करते हैं तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में ये करते हैं कि कितने परसेंटेज, वही मिक्सिंग करनी है बस क्वेश्चन की. अब नाइन्थ क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्कस. हाँ ये क्वेश्चन सिंपल है, ये हम फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन हम कह सकते हैं, लेकिन कई बच्चे अटॉर्नी जनरल को छोड़ ही देते हैं तो, लेकिन कहेंगे इसको फर्स्ट डिग्री पे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर जब आप अटॉर्नी करते हो सारे, तो अगर आप प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ये करके छोड़ दो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आगे अटॉर्नी और ये करो ना, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है. लेकिन एक सीरियस स्टूडेंट तो सारे जो ऑर्गन्स हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के वो करेगा ही, तो उसको चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, डिस्कस करना है इसको. तो ये क्वेश्चन एज इट इज हम करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, फर्स्ट डिग्री क्वेश्चन है. लास्ट इज इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन रोल एज अ नेशनल मेकर इज ऑन अ डिक्लाइन विच इन टर्न हैज एडवर्स इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ डिबेट्स एंड देयर आउटकम डिस्कस. क्या बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन. जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं या जो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन मेरिटेरियन के पास पावर है कि वो बिल ला सकता है, वो ट्रेंड कम हो रहा है ना, जिससे वो कह रहा है कि क्वालिटी ऑफ डिबेट्स इन दी कम हो रही है. टिपिकल थर्ड डिग्री
थर्ड डिग्री क्या, ये तो अच्छे से पढ़ के ही, जब आप पढ़ते जा रहे हो, थोड़ा सा डिबेट्स के अंदर घुस रहे हो, इश्यूज के अंदर घुस रहे हो, पार्लियामेंट्री प्रोसेस का क्वेश्चन है ये कि पार्लियामेंट के अंदर क्या प्रोसेस है। एक टाइम पे आपको 20-25 साल पहले मतलब इतनी बुरी हालत थी पार्लियामेंट की, लड़ाइयाँ होती थी पार्लियामेंट में, कई बार स्टेट्स में आप जूते चल रहे हैं, चप्पल चल रहे हैं, कुर्सियाँ उखाड़ रहे हैं। अब लास्ट 10 साल से 15 साल से बहुत इंसिडेंट्स कम हो गया कंपेरेटिवली, है ना। तो वो कहते हैं जब इतने, इसका मतलब हम ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो पार्लियामेंटेरियन अब आ रहे हैं क्या वो कैपेबल नहीं है कि वो अपना बिल लेके आए, कोई कोई एक्ट लेके आए, कोई नया लॉ लेके आए, ताकि उस पर डिबेट हो। आइदर दे और दे आर सिंपली टोइंग द पार्टी लाइन्स। तो ये एक ट्रेंड देखा गया है। अब आप नेहरूवियन इरा देखो या 50s 60s 70s देखो, उसमें बड़े जो टॉवरिंग पर्सनैलिटीज थी, लीडर्स थी, दे यूज टू ब्रिंग देयर ओन इलेक्ट फॉर डिबेट इन द पार्लियामेंट कि हम ये एक्ट लेके आए हैं। और एक प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है अपना बिल, कोई जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ही आए, एक प्राइवेट मेंबर भी अपना बिल ला सकता है। तो वो लाता था कि मैं ये डिबेट कराना चाहता हूँ इस पर, और लॉ बन भी जाते थे। लेकिन उससे फिर उससे क्या है, सारे सारे पार्टी एक, जब जब कोई एक बिल पॉलिटिकल पार्टी लेके आ रही है, देखो उसमें क्या इशू होता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी लेके आ रही है तो एक पॉलिटिकल एंगल उसमें आ जाता है कि आप दूसरी पार्टी को उसको अपोजिशन करना ही करना है, चाहे वो एक्ट कितना भी ठीक हो कितना नहीं है। तो खुल के वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे। आजकल वो जमाना नहीं है। आजकल तो जैसी वल्गरिज्म चल रही है हमारी कंट्री में कि एक अगर पार्टी पावर में है वो बिल लेके आती है कोई, हाउस एवर बेनिफिशियल इट मे बी फॉर द कंट्री, द अदर पोलिटिकल पार्टी विल अपोज इट ब्लाइंडली विदाउट थिंकिंग कि ये कंट्री के लिए कितना बेनिफिशियल है कितना नहीं, रादर देन कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइजिंग इट कि आप इसमें ये चेंजेस लेके आओ जिससे ये चेक्स एंड बैलेंसेज हों। वो क्रिटिसाइज ही करते हैं तो खराब ही है जी, एंड दे क्रिएट अ मतलब भ्रम क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर वही बिल एक एक्ट एक प्राइवेट मेंबर लेके आता है जिसकी कोई पोलिटिकल एस्पिरेशन नहीं है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो डिबेट होंगी वो मच बेटर हो सकती है। अब टिपिकली देखो ये क्वेश्चन इस तरह से कोई नहीं कराता। ये आप जब अखबारों में पढ़ते हो, किसी आर्टिकल में यू कम अक्रॉस कि ये डिस्कस किया गया है, तो उससे धीरे धीरे आपकी कैपेबिलिटी बन जाती है। टिपिकल थर्ड डिग्री क्वेश्चन। अब आप देखो हार्डली 2 क्वेश्चन पेपर में 1 डिग्री के आए हुए हैं और 1 क्वेश्चन 2 डिग्री का है 10 में से, तो 7 क्वेश्चन थर्ड डिग्री के हैं, 7 क्वेश्चन थर्ड डिग्री के हैं और 2 क्वेश्चन 1 डिग्री के हैं और 1 क्वेश्चन 2 सेकेंड डिग्री का है। एक या 2 क्वेश्चन लगा लो जैसा भी है, एक ही क्वेश्चन। तो मतलब डज इट इन्फ्लुएंस योर सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, डस योर डज इट इन्फ्लुएंस कि आपको यूपीएससी में किताबें इंपॉर्टेंट है या पढ़ने का स्टाइल इंपॉर्टेंट है। सच आप जो मैंने आपको ये डेप्थ दी है, आप इससे अपने आप कंक्लूड करो कि वेदर मैं आपको ये रेफर कर दूं कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो ये इंपॉर्टेंट है, या मैं आपको ये सिखाऊं कि बेटा लक्ष्मीकांत अगर पढ़नी है या कोई लेक्चर सुनना है आपने किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी टीचर का लेक्चर सुनना है या कोई और बुक पढ़नी है, नोट्स पढ़नी है, उसको पढ़ना कैसे है। कैसे पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है और कैसे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट करना है कि हां मैं थर्ड डिग्री तक पहुंच गया भाई। तो मेरे को मिलोगे आके, मैं तो ये पूछूंगा कि भैया कौन सी डिग्री तक पहुंचे, आप कहोगे सर फर्स्ट डिग्री पे पहुंच बैठे हैं अभी, तो इस सब्जेक्ट में सर सेकंड डिग्री पे पहुंच गए, अब सर थर्ड डिग्री पे पहुंच गए, सर थर्ड क्या चौथे पे पहुंचने वाले हो गए अब तो, बस इसे मैं कहूंगा भाई इससे आगे नहीं जाना, कहीं पीएचडी करने बैठ जाओ। तो हमारी ये टर्मिनोलॉजी अगले 1 साल तक रहेगी, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री, तो याद रखनी है हमेशा। तो ये मैंने आज, मैं कर कुछ और रहा था तभी 10 मिनट लेट हुआ मैं, लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन हुई अंदर से कि यार ये मैं बेकार काम कर रहा हूं। मैं आपको बुक्स बता के कर दूं काट दूं और मुझे लगे, पर मुझे उस चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। मुझे मिलती है कि हाँ आप एक्चुअल में इफ यू आर लर्निंग समथिंग और आपको तरीका आ रहा है करने का, अदरवाइज तो देखो बुक लिस्ट तो आप कहीं से भी ले लो, वही बुक लिस्ट मैंने बतानी है। कोई अगर मैं अलग से किताबें बताऊंगा तो आप वो किताबें कौन पढ़ना छोड़ दोगे, अगर मैं आपसे कहूंगा कि लक्ष्मीकांत मत पढ़ो तो आप छोड़ दोगे क्या, नहीं छोड़ोगे कभी भी, ना ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ना मैं ऐसा बोलूंगा। मैं आपको कहूंगा रमेश सिंह छोड़ दो यार नहीं पढ़नी बिल्कुल, आप छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे, फिर भी कोने में दबक के पढ़ते रहोगे, सारे पढ़ रहे हैं। मैं कहूंगा हिंदू छोड़ दो पढ़ना अगर आईएएस बनना है, तो छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे। तो बेटर मैं आपको ये छुड़वाने की बजाय मैं आपको ये बताऊं कि इनको यूज़ कैसे करना है सो दैट आप इनके इल इफेक्ट से बच सको और इनको कंट्रोल कर सको, रादर देन दीज बुक्स कंट्रोल यू
और योर माइंड, यू आर एबल टू कंट्रोल दिस बुक्स, कि हाँ हमारे काबू में, इतना पढ़ना था मैंने, मैंने पढ़ लिया। ठीक है जी, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं पॉलिटी को ही उठा रहा हूँ, पॉलिटी की बुक्स उठाऊंगा, हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि आपको कैसे पॉलिटी की बुक्स, ये रिकमेंडेड हैं, है ना, ये रिकमेंडेड बुक्स हैं, इसमें कहाँ तक पढ़ना है और सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री तक कैसे आना है। तो आप फिर देखोगे कि एक्चुअल ओरिएंटेशन हो रही है आपकी, रदर देन आई एम बीइंग टेलिंग यू अ टेक्स्ट, आपकी टेक्स्चुअल ओरिएंटेशन हो रही है कि अगर मैंने ये पढ़ लिया तो ये एंड नहीं है, ये बिगनिंग है, ये फर्स्ट डिग्री का मैंने कर लिया, सेकंड डिग्री का ऐसे करना है, थर्ड डिग्री का ऐसे करना है, और इसके लिए ये सोर्स है, इसके लिए ये सोर्स है, इसके लिए ये सोर्स। और कभी आप देखोगे पेपर में मार नहीं खा सकते, लेकिन मेहनत के का कोई वो नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच, सो